सोलन में आज भारी बर्फबारी देखने को मिली। पिछले कई वर्षों से बर्फ सोलन के ऊंचे पहाड़ों में ही देखने को मिलती थी और शहर और आसपास बर्फबारी नहीं होती थी, लेकिन इस बार बड़ोग और सैरी टैंक पर भी बर्फ देखने को मिली। बर्फ देखकर युवाओं में भारी जोश देखने को मिला। किसानों के फसलों के साथ मुरझाते चेहरों को जैसे संजीवनी मिल गई और अब उन्होंने भी राहत की सांस ली है। वहीं बर्फबारी की पर्यटकों को खबर मिलते ही पड़ोसी राज्यों के लोगों ने हिमाचल का रुख कर लिया है और सड़कों पर भारी वाहनों की कतारें लगना आरंभ हो चुकी हैं, जिसके चलते बड़ोग और आसपास के क्षेत्र में जाम की स्थिति भी देखी गई है। युवाओं ने बताया कि कई वर्षों बाद सोलन में बर्फबारी हुई है, जिसका वे खूब आनंद ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष की यह सबसे पहली बर्फबारी है। इस बर्फबारी का किसान और पर्यटक पिछले काफी समय से इंतजार कर रहे थे और आज उनकी यह इच्छा पूरी हुई है। इस वजह से जहां किसानों को फायदा हुआ है, वहीं पर्यटन को भी मानो पंख लग गए हैं। पर्यटकों ने भी अचानक सोलन शिमला का रुख कर लिया है और होटल फुल हो चुके हैं। चारों तरफ चांदी सी चमक देखी जा रही है। इस बर्फबारी से हमारी जो टूरिज्म है हिमाचल प्रदेश का, उसको भी काफी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जितने भी टूरिस्ट थे बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बर्फ होगी, बारिश आएगी और नहीं आ पा रही थी, तो इस बर्फबारी से टूरिस्ट में भी ज़्यादा उत्साह है, उत्साह देखने को मिल रहा है और काफ़ी गाड़ियां आ रही हैं नीचे अदर स्टेट से यहां पर घूमने के लिए, बर्फ़ देखने के लिए। और फसलों को तो खैर सभी को पता है कि फसलों के लिए तो बहुत ज़रूरी होती है बर्फबारी। सोलन शहर में साल की पहली बर्फबारी हो चुकी है, काफ़ी आनंद आ रहा है, सभी टूरिस्ट भी मजा ले रहे हैं। काफ़ी हाइट जैसे नगाली हो गया, बड़ोग हाइट हो गया, वहाँ पर ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है और जो ये बारिश हुई है इससे किसानों को भी काफ़ी फायदा होगा। सोलन शहर में आज साल की पहली बर्फबारी हो रही है कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोग यहाँ पे बर्फबारी का लुत्फ़ उठा रहे हैं। और अभी जैसा कि हमारे यहाँ पे हाइट में जैसे हो गया करोल, बड़ोग, ऐसी जगह पे बर्फबारी भी हो चुकी है और जगह जगह से लोग वहाँ पे देखने जा रहे हैं और यहाँ पे भी लोग बारिश का लुत्फ़ उठा रहे हैं।